टू माई चैनल. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं. अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं देन हाय, मेरा नाम तनु है और इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हॉल्स जो अफोर्डेबल है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से आपके साथ एलिगेंट एंड क्लासिक फैशन ही शेयर करूँ क्योंकि आई फाइंड देम वेरी टाइमलेस. चलते हैं आज के वीडियो की तरफ. आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एथिक वेयर हॉल जो अफोर्डेबल है बट बहुत स्टाइलिश पीसेस भी हैं. जैसे कि जो सेट मैंने पहना हुआ है इसे आप गाउन भी बोल सकते हैं, इसे आप कुर्ती का सेट भी बोल सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर है. इसके अलावा मैंने शरारा सेट पिकअप किया है, एक बहुत ही सुंदर एलिगेंट अनारकली सेट पिकअप किया है और बहुत सारी सुंदर साड़ीज. और ये सारी मैंने पिकअप की है फ्रॉम क्रीवा. क्रीवा इज एन इंडियन वेबसाइट जहाँ पे आपको बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ एथनिक वेयर मिल जाएगा, जिसमें शरारास हैं, गाउन्स हैं, लहंगास हैं, साड़ीज हैं. ये सारे बहुत ही स्टाइलिश पीसेस हैं और बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट ऑन विद द हॉल. सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी वन ऑफ माई फेवरेट पीसेस और वो है ये अनारकली कुर्ती. आई जस्ट लव द कलर. बहुत ही अच्छा नाइस डार्क पिंक कलर है जिसके ऊपर मिरर वर्क है ऑल ओवर इट. और ये इतनी लंबी अनारकली कुर्ती है कि आप इसे गाउन की तरह पहन सकते हैं. इनफैक्ट मैं इसे गाउन ही कहना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही लंबी है. नाउ इसके ऊपर बहुत ही अमेजिंग मिरर वर्क है जो बहुत ही बारीक है एंड आई थिंक जो स्मॉल मिरर वर्क होता है वो बहुत ही अच्छा नाइस एलिगेंट टच लैंड करता है मैचिंग अप विद दिस कलर. ये गाउन बहुत ही फ्लैरी है, जस्ट लुक एट दैट. ये काफी हैवी पीस है और इसके साथ में ये मैचिंग दुपट्टा भी आता है जो बहुत ही नाइस सॉफ्ट जॉर्जेट मटेरियल का है जिसके ऊपर सिमिलर मिरर वर्क है और थ्रेड वर्क है. ये बहुत ही एलिगेंट कुर्ती सेट है. आई थिंक ये वन ऑफ दोज पीसेस है जिसे पहनने के लिए आपको कोई ट्रेंड नहीं देखना पड़ता है. इट्स टाइमलेस और ये बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही रीगल लगता है. नेक्स्ट मैंने पिकअप किया है शरारा सेट जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही स्टाइलिश है जिसके ऊपर जरदोजी वर्क है. और ये जो डिटेल्स आप देख रहे हैं ये एक्चुअल मिरर्स नहीं है, ये कुछ रिफ्लेक्टिव काइंड ऑफ अ मटेरियल है. जस्ट गिव्स यू वाइब कि ये मिरर है एंड आई रियली लव दिस फैक्ट क्योंकि मिरर थोड़े से हैवी हो जाते हैं. इसके ऊपर ये स्पेगेटी काइंड ऑफ अ डिटेल है, बहुत ही शीक लगता है, बहुत ही डिफरेंट लगता है. बट सिंस अगर आप इसे स्पेगेटी काइंड ऑफ अ डिटेल में नहीं पहनना चाहते, यू वॉन्टेड विद स्लीव्स, सो देन कस्टमाइज करना तो बहुत ही आसान है. और अब चलते हैं इस कुर्ती के साथ में पैर अप करने के लिए गरारा या जो शरारा आता है. ये बहुत ही अच्छा नाइस क्रेप मटेरियल है जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर सीक्वेंस वर्क है. नाउ ये बहुत ही छोटा सीक्वेंस वर्क है, पंजाबी में तो इसे मुकेश का काम बोलते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द शरारा इसके बहुत ही फ्लैरी है. मैंने आजकल देखा है कि बहुत जगह शरारा सेट तो मिल जाते हैं बट शरारा में बिल्कुल भी फ्लैर नहीं होता है, बट दिस वन हैज अ प्रॉपर फ्लैर. और इस सेट के साथ में ये मैचिंग दुपट्टा आता है इन अ नेट मटेरियल जिसके ऊपर लटकन डिटेल है जो बहुत ही सुंदर है. नाउ मैंने कुछ साड़ीज भी पिकअप की हैं. लेट्स कम टू द फर्स्ट साड़ी. दिस इज द वन जो मैंने नेवी ब्लू कलर की पिकअप की है जिसके ऊपर जरदोजी वर्क है ऑन द बॉर्डर. नाउ जो जरदोजी वर्क है वो कॉम्बिनेशन है ऑफ अ शैम्पेन कलर एंड व्हाइट कलर, तो विद अ नेवी ब्लू कलर ये बहुत ही सुंदर लगती है. नाउ सिमिलर थ्रेड वर्क बूटी फॉर्म में भी है ऑल ओवर द साड़ी. इस साड़ी के साथ में कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज आता है विच आई फाइंड बहुत ही एलिगेंट लगते हैं, बहुत ही स्टाइलिश भी लगता है. एंड दिस इज द गॉर्जियस ब्लाउज. नाउ ये व्हाइट कलर का है जिसके ऊपर शैम्पेन कलर का एम्ब्रॉयडरी है जो परफेक्टली मैच अप करता है विद द एम्ब्रॉयडरी ऑन द साड़ी एज वेल. नेक्स्ट मैंने एक ऐसी साड़ी पिकअप की है जो बहुत ही टाइमलेस है और आपने ऐसी बहुत ही सिमिलर साड़ीज देखी होंगी इन योर मदर्स वार्डरोब. मैंने भी आपकी तरह ऐसी बहुत सारी साड़ीज मेरी मम्मी से बोरो की है बिकॉज दिस इज सच अ टाइमलेस पीस. नाउ इसका कलर बहुत ही सुंदर है, इट्स अ वेरी नाइस शैम्पेन टू पेल पिंक कलर का मिक्स है. और इस साड़ी के ऊपर बहुत ही स्मॉल माइन्यूट सीक्वेंस वर्क है जिसे पंजाबी मुकेश का काम बोलते हैं. और जस्ट टू हाईलाइट इट फर्दर, इसके बॉर्डर पे बहुत ही लाइट गोल्डन शैम्पेन कलर का एम्ब्रॉयडरी है. बट मुझे इसका जो पल्लू पे टैसल डिटेल है वो बहुत ही सुंदर लगा. नाउ साड़ी तो बहुत सिंपल एंड एलिगेंट है बट इसको स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक देने का काम करता है ये ब्लाउज. आई जस्ट लव द ब्लाउज क्योंकि ये सिंपल सिमिलर कलर का है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी डिटेल है जो अगेन शैम्पेन कलर का है. एंड जस्ट टू प्रोवाइड अ बर्स्ट ऑफ कलर्स इसके ऊपर पैसल कलर्स की एम्ब्रॉयडरी भी है. नेक्स्ट साड़ी जो मैंने पिकअप की है इज सिंपल, इट्स वेरी एलिगेंट और मैंने इसे पिकअप किया है कीपिंग द अपकमिंग करवा चौथ इन माइंड क्योंकि ये सिंपल पिंक कलर की साड़ी है इन अ सैटिन मटेरियल. इस साड़ी को इलैबोरेट बनाता है इसका बॉर्डर क्योंकि जो बेस ऑफ द बॉर्डर है वो रेड कलर का है जिसके ऊपर गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी है. एंड आई थिंक दीज काइंड ऑफ साड़ीज बहुत ही एलिगेंट लगते हैं, बहुत ही सटल लगते हैं और
फॉर करवा चौथ तो ये बहुत ही एप्ट है. और करवा चौथ में बहुत ज़्यादा हैवी साड़ीज या सूट्स पहनना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ. आई फाइंड जितना सिंपल और जितने एलिगेंट लुक रहेगा उतना कंफर्टेबल भी होगा पहनना और उतना ज़्यादा सुंदर भी लगता है. इवन तो साड़ी बहुत ही सिंपल है बट इसके साथ में जो ये ब्लाउज आता है इट जस्ट इंश्योर्स कि पूरा लुक बहुत ही एलैबोरेट लगे, बहुत ही इनहेंस लगे और बहुत ही गॉर्जियस लगे. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पीस ऑफ द हॉल जो कि मेरा फेवरेट है एंड दैट इज द गॉर्जियस सेट जो मैंने पहना है. आई जस्ट लव द कलर्स ऑन दिस सेट क्योंकि ये पेल पिंक कलर की कुर्ती है जिसके ऊपर जारी वर्क है, जिसके ऊपर मिरर वर्क है. देन इट ऑल्सो हैव एम्ब्रॉयडरी और जो एम्ब्रॉयडरी के कलर्स हैं वो लाइट पैसल कलर्स के हैं लाइक अ बिट ऑफ येलो, अ बिट ऑफ ब्लू. सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इट ऑल बहुत ही इसे डिजाइन अवेयर लुक दे देता है. बट दिस सेट इज ऑब्वियसली नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव. नाउ इसे मैं गाउन कहना चाहूँगी बट इस गाउन के साथ में पलाजो पैंट्स भी आते हैं सो यू कैन वेयर इट लाइक अ कुर्ती एज वेल. मुझे इस गाउन का फ्लेयर भी बहुत पसंद आया क्योंकि ये काफ़ी फ्लेयरी है. नाउ टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग इस गाउन पे बोथ द साइड्स पे लॉन्ग स्लिट्स हैं बट सिंस गाउन इतना फ्लेयरी है तो ये स्लिट्स आसानी से विजिबल नहीं होते हैं. नाउ सिंस इस गाउन के साथ में स्लिट आते हैं तो इसके साथ में मैचिंग कलर के प्लाजो पैंट्स भी आते हैं. तो ये था मेरा अफोर्डेबल एथनिक वेयर हॉल जो बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही सुंदर रीगल पीसेस थे. आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया देन प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. दैट वुड जेन्युइनली मीन अ लॉट टू मी. See you next time. Bye-bye.